तो गाइस कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बुगाटी चिरोन का एंड वैगनार का चीट कोड। तो गाइस इस वीडियो में बताया क्या होने वाला है, गाइस इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है जेसीबी क्रेन का चीट कोड। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आज की वीडियो में आप लोगों को जेसीबी क्रेन का बिल्कुल रियल चीट कोड मैं बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग कैसे अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री गेम में जेसीबी क्रेन को स्पॉन करा सकते हो। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज देखो मैंने यहाँ पर जेसीबी क्रेन स्पॉन करा ली, एंड भाई देखो अभी मैं आप लोगों को चला कर भी दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो यहाँ पर जेसीबी क्रेन को मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, एंड गाइज यहाँ पर देखो मैंने न्यू गन भी ऐड कर ली है। गाइज देखो मुझे यहाँ पर न्यू गन का भी चीट कोड पता चल चुका है, आप लोग भी न्यू गन को कैसे ले सकते हो ये भी आज की वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले गाइज हम बढ़ते हैं अपने चैलेंज की तरफ। गाइज आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मुझे चैलेंज दिया है हॉर्स वर्सेस ट्रेन। जी हाँ गाइज आप लोगों ने मुझे ऐसा चैलेंज दे दिया भाई, इसमें तो पता ही नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि भाई मुझे हॉर्स को भगाना है ट्रेन के साथ, भाई मुझे रेस करनी है हॉर्स वर्सेस ट्रेन, एंड देखना है हॉर्स तेज भागता है या फिर अपनी ट्रेन तेज भागती है। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है वो इसलिए क्योंकि भाई हॉर्स कहाँ भागेगा इतनी तेज। वैसे रियल में तो हॉर्स बहुत तेज भागता है, लेकिन गेम की बात हो रही है यहाँ पर, तो भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पर आज का चैलेंज मैं जीतने वाला हूँ। तो चलो गाइज इस चैलेंज को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। तो यहाँ पर गाइज ट्रेन को स्टार्ट करते हूं, ट्रेन अपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो गाइस अब भगाता हूं अपने हॉर्स को, एंड भाई देखते हैं यहां पर हॉर्स जीतता है क्या। बाकी असलियत में तो भाई रियल में तो अपना हॉर्स जो है वो बहुत तेज भागता है, बाकी यहां पर ट्राई करते हैं। भाई देखो फ्यूल टैंक से यहां पर फटने स्टार्ट हो चुकी है, एंड ट्रेन अपनी मस्त भाग रही है और अपना हॉर्स भी मस्त भाग रहा है। गाइस देखो यहां पर अपना हॉर्स भी देखो कैसे कूद कूद के भाग रहा है। भाई चलो जल्दी से फुल स्पीड में भगाते हैं अपने इस हॉर्स को, एंड भाई आ तो जीतना पड़ेगा जरूर ट्रेन से, वरना ट्रेन जो है हरा देगी। एंड भाई देखो यहां पर जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, तो मुझे भाई हॉर्स को भगाना होगा। भाई मैं हॉर्स को फुल स्पीड में भगा रहा हूँ, लेकिन हॉर्स बस इतनी धीरे चल रहा है। गाइस देखो कुछ खास स्पीड में नहीं भाग रहा है हॉर्स, तो भाई यहाँ पर तो ये चैलेंज में हार चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मिल लेता हूँ गाइस टार्जन कार, भाई ट्रेन को अब हराना है, तो भाई यहाँ पर मुझे क्या करना होगा गाइस, मुझे यहाँ पर टार्जन कार ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टार्जन कार, अब जल्दी से भगाता हूँ ट्रेन को, पीछे छोड़ना है गाइस मुझे, क्योंकि हमें जीतना है गाइस आज का चैलेंज, बाकी हॉर्स से तो मैं हार चुका हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने भगा ली अपनी टार्जन कार, एंड गाइस अब आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं यहाँ पर ये चैलेंज जीत पाऊंगा अगर टार्जन कार से। भाई देखो जो टार्जन कार का स्पीड मीटर है वो पहुंच चुका है बिल्कुल एंड में। देखो टार्जन कार की जो स्पीड है मुझे ऐसा लग रहा है सब व्हीकल से खतरनाक है। जी हाँ गाइस कोई किसी भी कार की इतनी स्पीड नहीं जितनी टार्जन की है। देखो गाइस जो ट्रेन है वो मैंने यहाँ पर पकड़ ली अपनी टार्जन कार से, एंड भाई जो टार्जन कार है वो बस अपनी जीतने ही वाली है। एंड गाइस यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर अपना करैक्टर जो है उसने ठोक दी, और यहाँ पर हो चुका है गेम वास्टेड। तो भाई आज के चैलेंज का जो विनर है गाइस वो है अपनी ट्रेन, यहाँ पर जो अपना करैक्टर है वो नहीं जीत पाया ट्रेन से। बाकी कोई नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए नेक्स्ट वीडियो मुझे क्या चैलेंज करना चाहिए, मतलब ट्रेन के साथ किस व्हीकल को लेके आऊँ मैं ताकि वो जीत जाए ट्रेन से, मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो गाइस चलो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग जो है जेसीबी क्रेन को कैसे स्पॉन करा सकते हो, और भाई आप लोग गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो, और न्यू गन को कैसे ले सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए मैंने न्यू गन ऐड कर लिए। देखो यहाँ पर एक अपनी पिस्टल, एक AKM है, और एक RPG है, और एक अपनी स्नाइपर गन भी है, और फिस्ट है अपना, एंड स्टिकी बॉम्ब है। एंड गाइस देखो यहाँ पर जो दो न्यू गन है वो मैंने यहाँ पर ले ली, ये पता नहीं कौन सी, इनका नाम वाम मुझे नहीं पता। बाकी गाइस देखो मैंने यहाँ पर जो है दो न्यू गन ऐड कर दिया। अगर आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो भाई आप लोगों के गेम में तो नहीं होगी ये गन ऐड, वो किस लिए नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को ट्रिक नहीं पता है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने किस ट्रिक से जो है यहाँ पर न्यू गन को ऐड किया है। लेकिन गाइज उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों के दिए हुए मिथ्स को ट्राई करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया। तो गाइज अपना फर्स्ट मिथ है ट्रक ट्रॉली के ऊपर सुपर जंप लगाओगे तो करेक्टर को डैमेज नहीं पड़ेगा। भाई देखो यहाँ पर ट्रक ट्रॉली को मुझे स्पॉन कराना है जो है अपना कोड 01212। ये स्पॉन हो चुका है अपना ट्रक ट्रॉली, अब मुझे क्या करना है गाइज इसके ऊपर मुझे सुपर जंप का जो है चीट लगाना है। तो यहाँ पर अपने करेक्टर को ले जाता हूँ मैं इस ट्रक ट्रॉली के ऊपर, एंड भाई देखते हैं यहाँ पर अपने करेक्टर को डैमेज पड़ता है या फिर नहीं पड़ेगा। इस भाई ने बोला नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं चीट कोड, मैंने लगा लिया 1215, एंड भाई करता हूं मैं यहां पर जंप। तो गाइस मैंने यहां पर जंप किया, एंड भाई देखते हैं यहां पर अपने करैक्टर को डैमेज होता है क्या, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। लेकिन गाइस देखो यहां पर जो है बिल्कुल भी अपने करैक्टर को जो है डैमेज नहीं हुआ है। गाइस देखा आप लोगों ने यहां पर हेल्थ जो है अपने करैक्टर को उतनी की उतनी है, मैंने यहां पर कोई भी इन्फिनिटी हेल्थ वगैरह का चीट एक्टिवेटेड नहीं कर रखा है। देखो मैं आप लोग यहां पर ट्राई करके दिखा देता हूं, ये मैंने डायल किया 9129। गाइस देखो यहां पर जो है मैंने इन्फिनिटी हेल्थ का जो चीट एक्टिवेटेड नहीं कर रखा, ये देखो यहां पर मैं डीएक्टिवेट कर देता हूं, अभी मैंने एक्टिवेट किया आप लोगों के सामने। एंड इस बार भाई मैं ट्राई करता हूं यहां पर अल्ट्रा
सुपर जंप भाई, उससे तो 110% यहाँ पर अपने करेक्टर की हेल्थ को डैमेज पहुंचा, क्योंकि भाई वो जंप ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर देखो मैंने एक्टिवेट जो है गाइस कर लिया अपने अल्ट्रा सुपर जंप, और मैं यहाँ पर करता हूँ डबल टैप, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो भाई मैंने डबल टैप कर दिया, भाई देखो अपना करेक्टर जो है अपनी बिल्डिंग से भी ऊँचा पहुँच चुका है। भाई देखो कितना खतरनाक जंप किया, इस बार तो अपने करेक्टर की डेथ होनी चाहिए। एंड भाई देखो अपने करेक्टर को जो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पहुँचा गाइस, देखो जो इसकी हेल्थ है वो उतनी की उतनी है। यहाँ पर मैंने कोई भी इन्फिनिटी हेल्थ का जो है चीट एक्टिवेटेड नहीं कर रखा है। तो गाइस ये अपना मिथ है, ये कन्फर्म है। नेक्स्ट मिथ है, अगर किसी भी कार को फोड़े और कार का कलर आरजीबी कर दे तो गाड़ी के पार्ट जो टूटे हुए हैं वो भी आरजीबी में हो जाएंगे। भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो मैं स्पॉन करा लेता हूँ किसको गाइस, अपने बोलेरो को। यहाँ पर मैं इसको तोड़ता हूँ, मतलब इसको ब्लास्ट कर देता हूँ, देखते हैं इसके पार्ट भी आरजीबी कलर में होंगे क्या कन्वर्ट। तो भाई देखो ये मैंने यहाँ पर फोड़ दिया, भाई करते हैं इसको यहाँ पर आरजीबी कलर में कन्वर्ट। भाई यहाँ पर अपना करेक्टर गिरता बहुत है, एक तो ये मेरी बात समझ में नहीं आती है, करेक्टर उठने में भी बहुत टाइम लगाता है और गिरता भी बहुत है। तो यहाँ पर मैं RGB में कर देता हूँ, मैंने RGB में कर दिया, ये पड़े इसके पार्ट। एंड गाइस देखो ये जो इसके पार्ट टूटे हुए ये भी यहाँ पर RGB कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। भाई देखा आप लोगों ने, यहाँ पर जो टूटे हुए पार्ट है वो भी RGB कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। भाई अलग ही यहाँ पर सीन हो रहा है। तो गाइस ये जो अपना मिथ है ये कन्फर्म है। तो गाइस जो नेक्स्ट मिथ है अपना, साइकिल में स्टैंड नहीं होता, प्लीज़ टेक माय मिथ। देखो गाइस साइकिल आप लोगों ने देखी अपने गेम में स्पॉन होती है, जिसका चीट कोड है अपना 1111। ये देखो मैं यहाँ पर स्पॉन कराता हूँ, ये मैंने चीट कोड डाल दिया 1111। एंड भाई ये मैंने स्पॉन करा दिया, एंड मैं चेक करते हैं यहाँ पर स्टैंड है क्या। भाई ये रही अपनी साइकिल, एंड भाई मुझे तो यहाँ पर अभी तक स्टैंड नहीं दिखा। एंड गाइस देखा आप लोगों ने, यहाँ पर जो स्टैंड है वो अपनी साइकिल में नहीं है। अभी देखो साइकिल के ऊपर बैठ कर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो गाइस यहाँ पर जो साइकिल है उसमें जो है स्टैंड मुझे तो नहीं दिख रहा। तो भाई यहाँ पर सच में जो है स्टैंड नहीं है अपनी साइकिल में, एंड अपनी जो साइकिल है वो ऐसे ही खड़ी हो जाती है। तो भाई अलग ही यहाँ पर गेम में अलग ही ग्लिचेस है यहाँ पर। तो गाइस ये जो अपना मिथ है ये कन्फर्म है। तो गाइस नेक्स्ट मिथ है, मून ग्रेविटी लगाकर स्मॉल जेट पैक के ऊपर बैठेंगे तो होगा मैजिक, पर लेकिन कोई भी बटन नहीं दबाना। तो भाई देखो यहाँ पर जो मिनी जेट पैक वो स्पॉन करा दिया, मुझे क्या करना है यहाँ पर 7112 चीट एक्टिवेटेड कर लेना है, जो कि अपना मून ग्रेविटी का। अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पर बैठना होगा इसमें मिनी जेट पैक में, देखते हैं यहाँ पर क्या मैजिक होता है। तो भाई अपना करेक्टर तो मस्त यहाँ पर फ्लाई हो रहा है, एंड मुझे तो यहाँ पर गाइस अभी तो कोई भी मैजिक नहीं देखने को मिला। इस भाई ने बोला यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दबाना, गाइस मैंने तो यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दबाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मैजिक नहीं हो रहा है। लेकिन एक सेकंड, मैं इस करेक्टर को गाइस नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन जो अपना करेक्टर वो नीचे नहीं जा रहा। ये देखो गाइस यहाँ पर मैं इस ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन जो अपना करेक्टर वो नीचे ही नहीं जा रहा है। गाइस देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, भाई नीचे नहीं जा रहा अपना करेक्टर, ऐसे लेके जाता हूँ क्या पता ऐसे चले जाए नीचे। भाई देखो नीचे ही नहीं जा रहा अपना करेक्टर गाइस, तो शायद ये भाई इसको मैजिक बोल रहा हो, भाई ये शायद इसको ही मैजिक बोल रहा हो। बाकी गाइस इस मिथ को मैं दोबारा से यहाँ पर ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर गेम को जो दोबारा से रिस्टार्ट कर लेता हूँ, इस बार गाइस मैं बिल्कुल इसके पास आ जाता हूँ जहाँ मुझे ऑप्शन देखने को मिल जाए इसमें बैठने का। ये देखो गाइस यहाँ पर बैठने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर जो है मून ग्रेविटी का चीट एक्टिवेटेड कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया है। अब बैठता हूँ गाइस, यहाँ पर देखो मैंने कोई भी बटन नहीं दबाया, सिर्फ इसमें बैठने का ही दबाया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मैजिक होता है। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने करेक्टर को जो है ऊपर उड़ा दिया है, एंड भाई यहाँ पर तो मुझे कोई भी मैजिक नहीं देखने को मिल रहा। ये भाई शायद इसको ही मैजिक बोल रहा होगा, ये जो नीचे का बटन है नीचे नहीं आ रहा अपना करेक्टर, मतलब अब नीचे ही नहीं आ रहा है, तो शायद ये भाई इसको मैजिक बोल रहा हो। बाकी गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो मिथ अपना ये कन्फर्म है या फिर बस्ट है। मेरे हिसाब से तो ये मिथ जो है ये कन्फर्म है। ओके तो गाइस जो आप लोगों ने मुझे मिथ कमेंट में बताया वो मैंने वो भी ट्राई कर लिया। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या मिथ ट्राई करनी चाहिए। एनीवेज अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो, और भाई JCB क्रेन को कैसे ले सकते हो, न्यू गन को कैसे ले सकते हो। तो गाइस आप सबको तो अपने अपने गेम को जो न्यू अपडेट आने वाला है, और न्यू अपडेट में आप लोगों के लिए ऐड की जा रही है JCB क्रेन, ऐड की जा रही है मतलब ऐड कर दी गई है। जी हाँ गाइस फाइनल सब कुछ हो चुका है उसका, उसके कंट्रोल्स वगैरह भी ऐड हो चुके हैं, भाई सब कुछ हो चुका है। तो अब मैं आप लोग बताता हूँ JCB क्रेन का चीट कोड क्या है, आप लोग उसको कैसे स्पॉन करा सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, गाइस अभी जो है अपने गेम का न्यू अपडेट नहीं आया है, तो इसका मतलब गाइस अभी जो है आप लोग JCB क्रेन को नहीं स्पॉन करा सकते। जी हां गाइस आप लोग JCB क्रेन को अभी जो है स्पॉन नहीं करा सकते हो, क्योंकि अभी अपने गेम का न्यू अपडेट नहीं आया है। लेकिन हां जैसे ही गेम का अपडेट आता है तो आप लोग JCB क्रेन को स्पॉन करा पाओगे बहुत ही आराम से। जी हां गाइस बहुत ही आराम से स्पॉन करा पाओगे, क्योंकि जैसे ही गेम का अपडेट आ जाता है मैं आप लोगों को चीट कोड बता दूंगा JCB क्रेन का। तो कुल मिलाकर ये गाइस अभी JCB क्रेन का जो है चीट कोड नहीं आया है, चीट कोड इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी अपडेट नहीं आया है। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे अपडेट आता है तो चीट कोड भी आ जाएगा। एंड अब बात करते हैं न्यू गन को ले सकते हो। तो गाइस अभी आप लोगों को बताया, अभी देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग कुछ इतनी गन देखने को मिल जाती है। एक पिस्टल देखने को मिलती है, एक AKM और एक RPG और एक स्नाइपर देखने को मिल जाती है, एंड ये मुक्का देखने को मिल जाता है,
और भाई एक स्टिकी बॉम्ब देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो दो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कोई भी गन ऐड नहीं हुई है। तो इसका मतलब गाइस अभी जो है अपने गेम में गन जो है ऐड हो सकती है। जी हाँ गाइस, न्यू गन ऐड हो सकती है अपने गेम में। तो अगर आप लोग गाइस इसमें न्यू गन को ऐड करना चाहते हो तो आप लोग करना क्या है गाइस, आप लोग कॉमेंट कर देना है। जी हाँ गाइस, आप लोग मुझे फटाफट कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दीजिए न्यू अपडेट में जो है गन आनी चाहिए क्या। जल्दी से मुझे बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, मैं आप लोग के लिए जो है न्यू गन इसमें ऐड करवा दूंगा। क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर जो है दो अपनी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर खाली है। तो अभी जो है गाइस यहाँ पर दो गन ऐड हो सकती है। तो भाई मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग इसमें न्यू गन को ऐड करवाना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए ऐड करवा दूंगा। और हाँ, गन का नाम भी लिख देना, कौन सी गन को ऐड करवाना चाहते हो, मैं आप लोगों के लिए वो ऐड करवाऊंगा। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला था। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो घंटा है ना, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्लीज ऑल पर सेट कर देना। तो मुझे फटाफट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या नया देखना चाहते हो यार, क्योंकि अपडेट जो है बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए बाय, और हाँ, जय श्री राम।